सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि आप बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हो, वो भी दोस्तों यूट्यूब वीडियो के लिए। दोस्तों, आप सभी को थंबनेल नहीं पता थंबनेल के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आप मेरा ये वीडियो देख रहे हो, इस पर आपने क्लिक किया होगा, तो आपने जो थंबनेल ही देखा होगा तभी आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है। तो दोस्तों, आपने जो थंबनेल देखा वही दोस्तों मैं बनाना सिखाऊंगा। आप दोस्तों एक यूट्यूबर हो, आप एक अच्छा हाई क्वालिटी का थंबनेल नहीं बनाते हो तो आपके वीडियो पर क्लिक नहीं आते, तो क्लिक नहीं आते तो व्यूज भी नहीं आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, मैं आपको बहुत ही अच्छा और हाई लेवल का प्रोफेशनल बोल रहा हूँ आपको दोस्तों, मैं ऐसा मैं थंबनेल बनाना सिखाऊंगा जैसे मेरे यूट्यूब वीडियो पर थंबनेल होते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे कितने अच्छे और प्रोफेशनल थंबनेल होते हैं, इस तरह के आपको थंबनेल बनाना सिखाऊंगा। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम लाइक कम रख रहे हैं, 50 लाइक हम, तो आप जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए। आप हर बार की तरह इस बार भी कंप्लीट करा दोगे, मुझे उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपको भी बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बनाना मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए दोस्तों आपको एक फाइल को डाउनलोड करना, उसका नाम है दोस्तों पिक्सल लैब एप्लीकेशन। इसी से मैं दोस्तों थंबनेल बनाता हूँ, बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल थंबनेल बनाता हूँ। यही दोस्तों सारे यूट्यूबर्स इसी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, इसी से थंबनेल बनाते हैं। मतलब दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, क्योंकि दोस्तों इसमें एड भी नहीं आते, एड आते हैं मतलब दोस्तों आप मतलब जो थंबनेल बनाते हैं उसके बाद आते हैं, उसके बाद एड आने का कोई आपसे मतलब भी नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप आखिर तक देखिए, बहुत ही आसानी से इसको आप सभी को हाई लेवल का थंबनेल बनाना। तो चलिए अब चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में किस तरीके से थंबनेल बनाते हैं, मैं आपको बता देता हूं। तो अभी चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में मोबाइल की स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। आपको किस तरीके से प्रोफेशनल थंबनेल बनाना मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए देखिए, एक पिक्सल लैब एप्लीकेशन, इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है, इसे आप प्ले स्टोर पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। मैं अभी इस पर क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद इस एप्लीकेशन में इस तरीके से इंटरफेस देखिए, मैंने एक पहले थंबनेल बनाया था, तो देखिए मैंने इस तरीके से थंबनेल बनाए हैं। इस तरीके का आपको थंबनेल बनाना सीखूंगा। तो चलिए अब बाहर आ जाते हैं, अब इसको हटाते हैं। और गाइज, अभी देखिए इसमें आ चुके हैं। तो इस तरीके से आपको इंटरफेस नज़र आता है पिक्सल लैब एप्लीकेशन में। जो अभी आपने थंबनेल देखा, इसी तरह का आप थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, वो भी HD और हाई क्वालिटी का। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है इमेज साइज, और यहाँ पर कस्टम पर क्लिक करना है, और यहाँ पर है यूट्यूब थंबनेल को आपको चुन लेना। ये आप यूट्यूब थंबनेल की साइज होती है गाइज। यूट्यूब थंबनेल की साइज लगाने के बाद यहाँ पर देखिए 4 नंबर पर नीचे के ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप कलर पर क्लिक करना। आप जो भी कलर रखना चाहते हो, रेड या ब्लू और ब्लैक, कोई भी आप रखना चाहते हो, यहाँ पर देख प्लस पर क्लिक करना है। और जो भी आप अच्छा कलर को रखना चाहते हो उसको भी आप चुन सकते हो। मैं आप यहाँ पर देखिए पीला ये कलर है, इसको आपको चुन के दिखाता हूँ। देखिए आपको मैं उदाहरण के तौर पर देखिए, आपको आप जो भी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हो ये वे यहाँ पर मतलब उसका आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। मतलब देखिए, आप जितने कम शब्दों में आपके आप थंबनेल पर लिखोगे वही आपको लिखना है। आप ज़्यादा आप मतलब थंबनेल पर टाइटल ही टाइटल लिख दोगे ना, वे आपका बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो आपको देखिए कम शब्दों में लिखना। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये आपका न्यू टेक्स्ट है, इस पर आपको पेंसिल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए मैं लिखता हूँ थंबनेल। तो गाइज यहाँ पर मैंने लिखा देखिए थंबनेल, यहाँ पर उसके बाद देखिए कैसे बनाएं, तो मैंने इस तरीके से लिख दिया है। देखिए आपको इस तरीके से लिख देना है, उसके बाद इसको आपको इस तरीके से सीधा कर देना आपका जो लिखा हुआ है। उसके बाद ए पर आना है, और यहाँ पर देखिए इसका जो भी फॉन्ट है, इसको फॉन्ट को आपको चेंज कर देना है। यहाँ पर आ जाना है, इस फॉन्ट को मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद चुनने के बाद यहाँ पर देखिए इसकी साइज को आपको थोड़ा बहुत छोटा कर देना है इस तरीके से। तो गाइस देखिए मैंने इस तरीके से कर दिया है। उसके बाद देखिए आपको इस कलर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आप जो भी कलर रखना चाहते हो उसको चुन लेना है। तो सिंपली से देखिए मैं ब्लैक कलर को चुन लेता हूँ, ये हमारा अच्छा लग रहा है। आप जो भी अच्छा लगे कलर वही चुनना, कलर यहाँ से अलग रख देना, और यहाँ पर आप रेड रखना चाहते हो ये दोनों आप रख सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है, और टेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद पेंसिल पर वापस पेंसिल पर। यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ यूट्यूब, तो YouTube लिख दिया। और देखिए यहाँ पर फॉन्ट पर क्लिक करता हूँ, और जो भी आप अच्छा फॉन्ट चुनना चाहते हो वह चुन सकते हो, और इसके साइज को आपको बड़ा इस तरीके से कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर इसका भी हम कलर चेंज कर देते हैं। तो सिंपली से यहाँ प्लस पर क्लिक करता हूँ, और ये कलर को चुन लेता हूँ। तो ये तो सही नहीं हो रहा दोस्तों, तो अभी हम इसे
इसे कलर को चुन लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका YouTube थंबनेल कैसे बनाएं। तो गाइस देखिए ये थोड़ा अच्छा नहीं हो रहा है, यहाँ पर कैसे बनाएं इसको हम अलग टाइटल में लिख देते हैं। तो ये देखिए हमारा थंबनेल हो चुका है YouTube, यहाँ पर ये हमें थंबनेल और यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना टेक्स्ट पर और कैसे बना इसको हम अलग लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपका अच्छा लगेगा ये भी, दोस्तों आप ये भी आप गलती मत करना। तो यहाँ पर कैसे बना इसको आपको कर देना है, उसके बाद साइज पर क्लिक करके इसको आपको बड़ा कर देना इस तरीके से, और उसके बाद कलर पर क्लिक करके ये कलर को मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद इसका भी हम फॉन्ट को देखिए बदल देते हैं, ये हमें ये फॉन्ट रख देते हैं यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं। ये देखिए गाइज हमारा, उसके बाद हम इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं और देखिए हमारा कितना और प्रोफेशनल लग रहा है गाइज। और यहाँ पर देखिए प्लस पर क्लिक करता हूँ टेक्स्ट पर और यहाँ पर हम लिख देते हैं 2020, मतलब दोस्तों 2020 में थंबनेल कैसे बनाते हैं। तो गाइज देखिए इस तरीके से हम इसको भी यहाँ पर लेकर आ जाते हैं, और यहाँ पर लेने के आने के बाद इसका भी हम देखिए आपको पता ही है क्या करना है, फॉन्ट को आपको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर फॉन्ट को चेंज कर दिया और इसके साइज को आपको बड़ा कर देना इस तरीके से, और कलर को भी अब चेंज कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा इस तरीके से बन जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो भी मोबाइल में आपका पिक्स है उसको PNG में कन्वर्ट कर देना है, उसको चुन लेता हूँ। तो प्लस पर क्लिक करने के बाद फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करना है और यहाँ से आपका जो भी इमेज है उसको चुन लेना है। तो गाइज ये देखिए मेरा ये PNG फोटो, आपको दोस्तों इस तरीके का ये जो देख रहे हो मेरा फोटो, इस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव करना है बहुत ही आसानी से और अच्छा तरीके से। तो एक मैंने वीडियो बनाया है ऑलरेडी, मेरे चैनल पर जाकर देख लेना, नहीं तो आई बटन में साइड आपको मैं दे पाऊंगा तो आप देख लेना। उसके बाद देखिए ये जो आपका PNG इसको आपको थोड़ा छोटा कर लेना है, उसके बाद गाइस आपको एडजस्ट कर लेना है इस तरीके से हमारा हो जाएगा। तो अब देखिए हमारा सिंपली हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर 30 नंबर पर क्लिक करना है और स्टॉक पर आपका इसका ये जो फोटो है इसका स्टॉक बढ़ा देना है, जो आप जो भी स्टॉक रखना चाहते हो। तो सिंपली से हम ये स्टॉक रख देते हैं, कलर बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे, तो सिंपली से हमारा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ऊपर क्लिक करना है, देखिए 3 डॉट के ऑप्शन है, इसके नीचे का ऑप्शन इस पर क्लिक करना है और लॉक को कर देना है, ये आपका PNG लॉक हो जाएगा, मतलब इस पर क्लिक करोगे तो ये हिलेगा नहीं। अब देखिए हमारा कितना ये और एक्रेटिव लग चुका है। उसके बाद YouTube आप इन सभी के देखिए, उसके बाद आपको साइज को थोड़ा बहुत बड़ा कर देना है, इससे आपका थंबनेल मतलब बहुत ही अच्छा और प्रोफेशनल लगेगा। तो ये देखिए हमारा YouTube थंबनेल कैसे बनाएं, ये हो चुका है ये थंबनेल है। इस पर भी आप बैकग्राउंड रखना चाहते हो तो ये भी आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर बैकग्राउंड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर रेड या आप किसी को भी रख सकते हो, आपकी मर्जी से गाइज। तो सिंपली से देखिए हम रखते हैं वाइट को और इसकी इसे बढ़ा देते हैं बैकग्राउंड को, तो इस तरीके से आप बढ़ा भी सकते हो। और बढ़ाने के बाद हम यूट्यूब को थोड़ा ऊपर कर देते हैं और कैसे बनाएं, ये हो चुका हमारा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हम देखिए यूट्यूब थंबनेल कैसे बनाएं, वह भी 2020 में, और इसके साइज को भी हम 20 को छोटी कर देते हैं। तो अब देखिए गाइज हमारा कितना और अच्छा लग रहा है। अब आप और भी किसी के पीछे बैकग्राउंड लगाना चाहते हो तो आपको मैंने बता दिया। अब जैसे देखिए 2020 पे लगाना है, इस पर क्लिक करना है और बैकग्राउंड देख रहे हो एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करके इनेबल कर देना और इसके पीछे आप बैकग्राउंड लगा देना। तो देखिए मैंने आप सभी को बता दिया इस तरीके से आप बैकग्राउंड लगा सकते हो। तो अब देखिए इतना सा बैकग्राउंड रखना है और इसको आपको सिंपली से एडिट कर देना है। तो दोस्तों ये हमारा देखिए कितना अच्छा थंबनेल बन चुका है। उसके बाद देखिए एक और इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर देखिए नीचे का और ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंट्रोल इस पर क्लिक करना, इसको आपको थोड़ा बहुत बढ़ा देना है इस तरीके से बढ़ा दे हुआ है। और यहाँ पर सेंचुरी इस पर क्लिक करना, इसको भी आप थोड़ा बहुत बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर देखिए ब्राइटनेस को आप थोड़ा बहुत बढ़ा दीजिए और नॉइज को छोड़िए, और इस तरीके से आप इन सभी को बढ़ा देना। उसके बाद आपके ये जो थंबनेल है इसको आपको हाई क्वालिटी में आपके गैलरी में डाउनलोड करना है। गैलरी में डाउनलोड कैसे करना मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट इमेज इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए फॉर्मेट इस पर आगे पर क्लिक करना है और PNG को चुन लेना है, और क्वालिटी में कस्टम के आगे क्लिक करके यहाँ पर अल्ट्रा में चुन लेना है। उसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करना, आपका ये गैलरी में सेव हो जाएगा बहुत ही आसानी से। इस तरीके से आपने बहुत ही आसानी से प्रोफेशनल थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, वे भी 2020 में।
तो अब देखिए ये कितना और अच्छा आपका एक क्रिएटिव थंबनेल बन चुका है क्वालिटी का। तो दोस्तों इस तरीके से आप थंबनेल बना सकते हो। आप सभी को मैंने बताया है इस तरीके से आप YouTube Pixel App एप्लीकेशन में बहुत ही आसानी से थंबनेल क्रिएट कर सकते हो, वो भी दोस्तों हाई लेवल और मतलब प्रोफेशनल। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप सबसे पहले तो कमेंट करके बता दीजिए। मैं इसी तरह की वीडियो यहाँ पर आपके लिए लेकर आता रहूँगा यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन कर दो ऑल पर सिलेक्ट, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर यूट्यूब की टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मिलती रहेगी। और दोस्तों आप इस वीडियो को 50 लाइक भी कंप्लीट करा दोगे मुझे आप सभी से बहुत ही उम्मीदें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को एंड कर देते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप खुश रहो सलामत रहो।